Soil is a home to many animals, including microorganisms, bacteria, fungus, animals like ant, mites, millipedes, beetles, worms and rodents, etc. कितने ही microorganisms हैं, bacteria हैं, fungus हैं, चींटियाँ हैं, mites हैं, मिलीपिड्स हैं, सेंटीपिड्स हैं, कीड़े मकौड़े हैं, इन सबका घर होती है मिट्टी. सम ऑफ दीज आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ. ये जो है मिट्टी जो है इन सबकी ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए मिट्टी बहुत ज़रूरी है, सॉइल बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अर्थवर्म टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड हेल्प इन डिकम्पोजिंग डेड एंड डिकाइंग मैटर. जितने भी जो अर्थवर्म होते हैं, मिट्टी में रहते हैं, वो मिट्टी को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, उसके अंदर रहते हैं तो उसमें एरेशन कर देते हैं और डिकम्पोज करते हैं डेड मैटर को, डिकेइंग मैटर को जो है वो डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं. इवन आफ्टर डेथ दे टर्न इनटू ह्यूमस विच इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. और जितने भी डेड मैटर्स को जो डिके किया है, डिकेइंग मैटर है, उनको जो डिकम्पोज किया है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, स्पेशली अर्थवर्म ने, तो वो क्या कर देते हैं, उस मैटर को ह्यूमस में चेंज कर देते हैं. और ह्यूमस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है. सॉइल ऑल्सो कीप प्लांट इन देयर प्लेस बाय होल्डिंग देयर रूट्स फर्मली. लेट्स स्टडी अबाउट सॉइल, इट्स फॉर्मेशन, कंपोजिशन, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज. देखिए, इस पूरा चैप्टर जो है सॉइल के ऊपर, इसके डिटेल पर है. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सॉइल फॉर्मेशन, कि सॉइल किस तरीके से बनती है, सॉइल का फॉर्मेशन क्या है. तो सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. सॉइल फॉर्मेशन एक बहुत धीमी प्रोसेस है. सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन बिग रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. जब बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं तो सॉइल फॉर्म होती है, सॉइल बनती है बाय द एक्शन ऑफ सन हीट. और ये कब टूटती हैं, कौन कौन सी एक्शंस के जरिए, सन हीट के जरिए, वाइंड रेन के जरिए, फ्लोइंग वाटर और क्लाइमेटिक कंडीशन. इन चार कंडीशन से जब बड़ी बड़ी रॉक्स टूटती हैं तब सॉइल की फॉर्मेशन होती है. और इस प्रोसेस को, सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, ब्रेकिंग डाउन बाय रॉक्स, रॉक्स के ब्रेकिंग डाउन से जब सॉइल बनती है तो इट इज़ कॉल्ड विदरिंग. इस कंडीशन को विदरिंग कहते हैं. जब आपकी सॉइल बन रही है, कब, बड़ी बड़ी चट्टानों के टूटने से, या जो है विंड रेन से, फ्लोइंग वाटर से, कोई भी क्लाइमेटिक ऐसी कंडीशन से अगर सॉइल बन रही है तो उसको आप वीदरिंग कहते हैं. वीदरिंग दो टाइप की होती है, पहली फिजिकल एंड दूसरी केमिकल. देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में. फिजिकल वीदरिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. फिजिकल वीदरिंग जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, कि अपने आप नेचुरल तरीके से ही रॉक्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हुई हैं छोटे पीसेज में और चेंज हो गई हैं किसमें, मिट्टी में, सॉइल में. तो वो जो है वीदरिंग कहलाती है, फिजिकल वीदरिंग, जो कि नेचुरल तरीके से हुई है, जैसे कि टेम्परेचर के जरिए या आपके ग्रोइंग रूट्स ऑफ प्लांट की जो रूट्स जो हैं वो अंदर अंदर ग्रो कर रही हैं तो चट्टानें टूट रही हैं और फिर वो मिट्टी को बना रही हैं, फ्रॉस्ट हो रही हैं. तो ये जो है केमिकल चेंजेस हैं जिसमें आप अपना कोई अपना इंटरप्ट नहीं है. तो इस तरीके की अगर केमिकल चेंजेस हो, फिजिकल चेंजेस के जरिए अगर मिट्टी फॉर्म हो रही है तो फिजिकल वीदरिंग कहलाती है. और केमिकल वीदरिंग वो जिसमें कि कोई नेचुरल चीज़ नहीं है उसको कि हम करते हैं, जैसे कि इन द टाइप ऑफ वीदरिंग द मिनरल प्रेजेंट इन रॉक्स एंड ब्रोकन डाउन इनटू न्यू मिनरल कंपोनेंट. जब जो है मिनरल की प्रेजेंस में जब रॉक्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं और न्यू मिनरल्स बनाते हैं, तो इस तरह की के जो केमिकल विद जो नेचर हो रहा है रॉक्स के साथ, जो केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, उन केमिकल चेंजेस की वजह से जो विदरिंग हो रही है वो केमिकल विदरिंग कहलाती है. जैसे कि ह्यूमस का बनना, देखिए, व्हेन विदरिंग ऑफ रॉक स्टार्ट, जब विदरिंग स्टार्ट होती है रॉक्स की, तो द ह्यूज पेरेंट रॉक ब्रेक अप नियर द सरफेस. तो जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं वो ब्रेकअप होती हैं सरफेस पर, एंड विच कैन बी अ फिजिकल और अ केमिकल प्रोसेस, जो कि किसी भी रीजन से हो सकती हैं, चाहे नेचुरल हो, चाहे वो अननेचुरल हो, किसी केमिकल के जरिए हो. देन द स्मॉलर रॉक अंडरगो विदरिंग. और जब इस जो स्मॉल रॉक्स जब आती हैं विदरिंग में, बनकर के स्मॉल रॉक्स में चेंज होती हैं वो, तो एनिमल एंड प्लांट्स रिमेन सॉइल ब्रेक डाउन टू ह्यूमस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो जो है एनिमल और प्लांट जो है उनके ह्यूमस में चेंज कर देते हैं. एंड ह्यूमस इज द रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन द सॉइल. ह्यूमस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डेड मैटर से बनता है, डिकेइंग मैटर से बनता है, वो चाहे वो डिकेइंग मैटर प्लांट का हो,
चाहे वो एनिमल का हो लेकिन सॉइल में प्रेजेंट हो तो वो ह्यूमस कहलाता है। ओके और ह्यूमस जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक, तो ये आपके हो गए सॉइल फॉर्मेशन के टाइप्स। तो सॉइल फॉर्मेशन देख ली हमने, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल की, सॉइल में क्या क्या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या कंपोनेंट हैं उसके देखिए। तो सॉइल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट लाइक सॉइल पार्टिकल, ह्यूमस, सॉइल ऑर्गेनिज्म, एयर एंड वाटर। सॉइल के अंदर हमें सॉइल पार्टिकल मिलेंगे, ह्यूमस मिलेगा, सॉइल ऑर्गेनिज्म मिलेंगे और कुछ पानी और हवा हमें उसमें देखने को मिलेगी। देखिए सॉइल प्रोफाइल अगर हम देखें तो चार लेयर में सॉइल जो है वो हमें देखने को मिलेगी। चार लेयर्स होती हैं मिट्टी की। पहली टॉप लेयर कहलाती है ए होराइजन, इसको आप ए होराइजन कहते हैं। टॉप सॉइल सबसे ऊपर की जो लेयर है वो टॉप सॉइल कहलाती है। नेक्स्ट है आपकी बी होराइजन, सब सॉइल बीच वाला जो पोर्शन है बी होराइजन कहलाता है। नीचे है आपका सी होराइजन, इसको पैरेंट रॉक भी कहते हैं। इसी से मिलकर के टॉप सॉइल बनती है, पैरेंट रॉक से ही। और उसके बाद नीचे होती है बेड रॉक, बड़ी बड़ी चट्टाने जो है वो डी होराइजन में आती हैं। तो आपके ए बी सी डी होराइजन में इसको बांटा है। इसको आप किस तरीके से समझेंगे देखिए, सॉइल प्रोफाइल जो है आपसे पूछा जाए सॉइल प्रोफाइल कितने लेयर्स में बांटा है, तो आप बता दें कि इसको चार लेयर्स में क्लासिफाइड किया है। ए होराइजन जिसको टॉप सॉइल कहते हैं, बी होराइजन जिसको सब सॉइल कहते हैं, सी होराइजन पैरेंट रॉक एंड डी होराइजन इज बेड रॉक। सबसे पहले वाली लेयर को पढ़ लेते हैं हम, ए होराइजन। ए होराइजन इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, पहली सबसे टॉप लेयर वाली जो सॉइल है वो ए होराइजन कहलाती है। इट इज़ डार्क इन कलर, ये कलर में डार्क होती है, इसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है और सॉइल फर्टाइल को बहुत ज़्यादा जो है फर्टाइल रखती है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इसी में होते हैं। ये सॉफ्ट होती है, पोरस होती है एंड इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, ये जो है बहुत सारे पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी रखती है। कौन सी? ए होराइजन वाली लेयर। सेकेंड, इसके अंदर अर्थवर्म्स रहते हैं, वर्म्स रहते हैं, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, जितने भी एट्सेट्रा, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इन सब इसी लेयर में रहते हैं। द रूट ऑफ द स्मॉल प्लांट्स आर अबेंडेड इन दिस लेयर, और जो छोटे छोटे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो भी टॉप सॉइल में ही रहती हैं। देखिए छोटे छोटे प्लांट्स की जो लेयर्स, जो रूट्स हैं वो टॉप सॉइल तक ही लिमिट है उनकी, है ना। और जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो जाकर वो जरूर जो है बी होराइजन तक पहुँचते हैं। ठीक, बी होराइजन की बात करें तो दिस इज द लेयर जस्ट बिलो ए होराइजन। ए होराइजन के जस्ट नीचे देखें तो बी होराइजन आपको मिलेगा और इट इज़ लाइट इन कलर, ये थोड़ा लाइट होता है कलर में। हमने देखा ए होराइजन डार्क था कलर में, ब्लैक था ऑलमोस्ट, और ये जो है थोड़ा लाइट होता है कंपैरिजन। एंड हार्डर देन द टॉप सॉइल, टॉप सॉइल से थोड़ा हार्ड होता है, वो सॉफ्ट था। इट रिच इन सॉल्यूबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड्स, यहाँ पे मिनरल्स की जो है मात्रा जो है अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा होती है। एंड द रूट्स ऑफ ट्रीज जनरली रिच इन दिस लेयर, जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उनकी रूट्स जो है जनरली इसी लेवल तक पहुँचती हैं। सी होराइजन की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ हम्प ऑफ रॉक्स, यहाँ पे रॉक्स देखने को मिलेंगी विद स्पेस बिटवीन दैम, बड़ी बड़ी रॉक्स आपको थोड़ी जो है रॉक्स के टुकड़े, चट्टानों के टुकड़े आपको इस वाले होराइजन में देखने को मिलेंगे जिनके अंदर बीच में गैप होगा। ह्यूमस इज एबसेंट, इस लेयर में ह्यूमस एबसेंट होती है और ये बिल्कुल अनफर्टाइल होती है। यहाँ पे प्लांट की, ट्रीज की, किसी के रूट्स भी यहाँ पर नहीं आती हैं। लास्ट जो लेयर है सॉइल का, लास्ट लेवल जो है वो डी होराइजन है। यहाँ पे जो है रॉक्स तो होती हैं पर वो रॉक्स जो है कंपैरेटिवली सी होराइजन से भी बड़ी बड़ी रॉक्स जो है यहाँ पे होती हैं, जिनको कि सॉलिड रॉक कहते हैं। ये जो है हार्ड और सॉलिड रॉक से बना हुआ होराइजन है, इसमें जो है पानी भी कम मिलेगा आपको। देखिए इट इज़ टू हार्ड टू डग विद अ स्पेड, यहाँ ये इतना हार्ड होता है कि इसको आप किसी स्पेड से भी डग नहीं कर सकते हो, आप इसको खोद भी नहीं सकते हो किसी और स्पेड से। नेक्स्ट, इसमें रेन वाटर एक्यूमुलेट्स अबोव दिस लेयर एंड फॉर्म द वाटर टेबल, जो यहाँ पर जो जितना भी बारिश का पानी जो होता है वो यहाँ पर आकर के जो है इकट्ठा होता है, तो यहाँ पर इसके नीचे जो है भी डी होराइजन के नीचे जो है एक वाटर टेबल फॉर्म करता है। यहाँ के मतलब जब हम कभी देखते हैं ना कि ट्यूबवेल जो है वो बनाई जाती है, कुएं बनाए जाते हैं, तो कुएं जो है वो बनने के बाद डी होराइजन के बाद जो वाटर लेवल आ जाती है, डी होराइजन के बाद जो वाटर टेबल स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे खूब पानी ही पानी होता है। तो यहाँ पे आके जो है आपकी सारी सॉइल प्रोफाइल यहाँ तक लिमिट होती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है, यहाँ पे आपके वाटर टेबल स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये आपका हो गया सॉइल प्रोफाइल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके।